नमस्कार सर, ट्रिपल बुंदेलखंड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किफ के 7th एडिशन में आप पहुँचे, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू लेने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खजुराहो में हमेशा से आना चाहता था, बचपन से इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं एक्टर बनूंगा और यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होगा, वहाँ पे मुझे सम्मान दिया जाएगा और मुझे बुलाया जाएगा। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, कल उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दी, इतना सम्मान दिया और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया राजा बुंदेला जी ने। उनकी तारीफ़ करना पड़ेगी, उन्होंने जिस तरह से लोगों को हैंडल किया, जिस तरह से एक्टर्स को हैंडल किया, वो बहुत सम्मान्यजनक था। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत से कलाकार आ रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे से कलाकारों को जो है बड़ा मंच देने की कोशिश करते हैं, उन बॉलीवुड के स्टार से मिलाने की कोशिश करते हैं, उनसे सीखने की जो है ये ट्राई करते हैं, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? टपरा टॉकीज लगती है जैसे पुराने ज़माने में स्टैंड वो लगा के, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, कल्चर था हमारा एक तरह से, जब गाँव में जाके फिल्में दिखाई जाती थी बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी, जो लोकल टैलेंट है, जैसे मैंने कल देखा वहाँ पर जो यहाँ का जो यूनिक बुंदेलिया जो गानों का प्रोग्राम है, डांस का प्रोग्राम है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, वो देखिए कितना टैलेंट है यहाँ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इतना टैलेंट है कि मतलब आप क्या बताएं इसको, उसको मंच पर लेके आना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को शोकेस करना, अपने टैलेंट को दिखाना, नहीं तो बेचारे कितने टैलेंटेड लोग अपना टैलेंट दिखा ही नहीं पाते, लेकिन उनको एक मंच प्रदान करना वो एक बड़ा तारीफ काबिल चीज़ थी। बिल्कुल। तो सर, हम आपको अब आने वाले समय में किस रोल में या फिर किस किरदार में देख सकते हैं, किस भूमिका में जो है फैंस आपको देखने वाले हैं? देखिए, मेरी एक अभी सीरीज़ है जो गिरगिट, जो कि आल बालाजी पे है, एमएक्स प्लेयर पे, वो चल रही है। मेरी दो सीरीज़ और रिलीज़ होने वाली हैं, दो मेरी शॉर्ट फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं हॉट स्टार पे। एक ऑलरेडी शॉर्ट फिल्म यस आई एम अभी जो मेरी रिलीज़ हुई है उस पर, एमएक्स प्लेयर पे, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी कहानी है। एक नेटफ्लिक्स की मैं सीरीज़ कर रहा हूँ तेलुगु, साउथ की जैसे आप जानते हैं मैं पिक्चरें करता हूँ, तो वहाँ की एक तेलुगु सीरीज़ कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के लिए, जिसमें मेरा किरदार बहुत अच्छा है। तो अभी क्या है कि एक्टर्स के लिए काम बहुत बढ़ गया है लॉकडाउन के बाद, जब से थिएटर अपने लोगों को मतलब बंद हुए हैं जब लॉकडाउन में, उसमें सारे एक्टर्स को काम मिल रहा है, वेब सीरीज़ बन रही हैं, और पब्लिक को भी अच्छा, घर पर बैठ के उनके पास चॉइसेस हैं कि अगर कोई सीरीज़ पसंद नहीं आती तो बंद कर दो, कोई सीन पसंद नहीं आ रहा तो उसको फॉरवर्ड कर दो, तो लोगों की आदत हो गई उस चीज़ की, और सारे एक्टर्स को काम मिल रहा है, वो एक अच्छी बात है। बिल्कुल। यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही, मैं इससे जुड़ा एक सवाल भी पूछना चाह रहा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर दोनों तरीके के पक्ष देखने को मिलते हैं कि ये सही भी है और गलत भी है, आप इसको लेके किस तरीके से नज़रिया रखते हैं, कैसा? देखिए, मुझे गलत तो अभी तक कुछ नहीं लगा, मुझे तो सारी चीज़ें सही लगी हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ के लोकल टैलेंट को मंच मिला है कल, तो कितने एक्टर बॉम्बे के अंदर है, आपने अभी सीरीज़ में देखा होगा, उससे पहले कभी फिल्मों में उनको देखा भी नहीं होगा, कितने टैलेंटेड हैं। एक सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे, जमतारा, उसमें एक भी एक्टर को जानते हो आप? नहीं जानते। एक ही है अपना जो एक्टर हैं उसके अंदर जिनको मैं जानता था, लेकिन वो जो दूसरे एक्टर हैं उनको मैंने अपनी लाइफ में उससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने जो अपना कैरेक्टर निभाए हैं और जो एक्टिंग की है, वो ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से बेचारे भरे बैठे थे, उनको चांस नहीं मिल रहा था, उनको मौका नहीं मिल रहा था, और उन्होंने मौका मिला उनको और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सारे एक्टर इतना काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है एक्टर्स के लिए, उनको सबको काम मिल रहा है, जिनको कोई जानता नहीं था उनको लोग जानने लगे, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे मुझे तो इसमें से पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, नेगेटिव तो कुछ नज़र नहीं आता। चलिए, बहुत अच्छा। तो सर, 21 तो आप देख ही रहे हैं कि 2022 के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बस मैं चाहूँगा कि 2021 हमारा अच्छा गुजरा, क्योंकि लास्ट दो साल हमारे बहुत ख़राब गुजरे, लेकिन वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के गए, बहुत कुछ दे के गए, हमें उससे सीखना चाहिए। भाईचारा बढ़ गया है लोगों में, आपस में रिलेशनशिप के बारे में समझने लगे हैं एक्चुअली, नहीं तो पहले आप टाइम नहीं देते थे घर वालों को, घर वालों के साथ बैठना पड़ा उनको, अच्छा लगा माँ बाप के साथ आप बैठे, बहुत अच्छा लगा उनको। मैं चाहूँगा कि 2022-2021 से अच्छा हो, और जो भी ये कोरोना है ये अब बस ऊपर वाले से दुआ करेंगे ख़त्म हो जाए और सब लोग काम करें,
अभी तो जैसे तीसरा वेरिएंट आने की खबरें चल रही हैं। वेरिएंट एक्चुअली आ चुका है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उस वेरिएंट में इतनी जान है, और हम हिंदुस्तानी तो बहुत मजबूत आदमी हैं, तो वी विल फाइट। ट्रुपल के दर्शकों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे, एक बार आप वो भी रिकॉर्ड कर दें अपने ट्रुपल बुंदेलखंड ट्रुपल। ट्रुपल हाँ, बुंदेलखंड ट्रुपल जी सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे बुंदेलखंड वालों के लिए, जो राजा बुंदेला जी ने जो खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ किया है और जो मंच प्रदान किया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनकी हेल्प करिए और अपने टैलेंट को और निखारिए। और टैलेंट अगर आपके अंदर है तो वो छुप नहीं सकता, वो आप किसी भी कोने में बैठे हैं, किसी भी विलेज के अंदर हैं, गांव के अंदर हैं, तो अपने टैलेंट पे काम करते रहिए। एक दिन आप लोगों को भी चांस मिलेगा और आप भी बड़े एक्टर बनेंगे और बड़े सिंगर बनेंगे, और जो भी आप जिस फील्ड से भी हैं आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर उनसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।